सलमान खान और कटरीना कैफ के टाइगर 3 के सेटअप को भी हुआ है नुकसान साइक्लोन टॉक्टे के चलते। क्या है पूरी खबर, चलिए बताती हूँ इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल सलमान खान और कटरीना कैफ की आने वाली मूवी टाइगर 3, जिसकी शूटिंग जल्दी ही शुरू होने वाली थी, उसका सेटअप तैयार होकर खड़ा हुआ था फिल्म सिटी में, जब ये साइक्लोन जो आया और तबाही मचाकर चला गया, जिसके बाद उनके सेटअप को काफी कुछ नुकसान पहुंचा है। वहीं पर बताया जा रहा है फिल्म सिटी में ही गंगूबाई काठियावादी का सेटअप खड़ा किया था भंसाली ने, यानी कि संजय लीला भंसाली ने, लेकिन उनके सेटअप को नहीं हुआ है कुछ भी नुकसान। और उसकी वजह ये रही है क्योंकि पिछले साल की बारिश को देखते हुए संजय लीला भंसाली ने वहां पर एक ऐसा कवर लगवा दिया था, वहां पर काम करवा दिया था, जिसकी वजह से उनके सेटअप को नुकसान ना पहुंचे, कम से कम नुकसान पहुंचे। और यही सेटअप जो है, यही पूरा कवर जो उन्होंने लगवा दिया था, ये जो काम उन्होंने करवा दिया था, उसने इस बार भंसाली को बेनिफिट किया है। जब साइक्लोन टॉक्टे आया भी, उस एरिया को हिट भी किया, बगल में ही जो था टाइगर 3 का सेटअप लगा हुआ था वो तबाह हो गया, लेकिन ये सेटअप बचा रहा बिकॉज उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी। खैर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सलमान खान और कटरीना कैफ की शूटिंग जो है लॉकडाउन के बाद ही शुरू होने वाली थी, लेकिन अब जब सेटअप टूट चुका है, सभी लोग लॉकडाउन की वजह से घरों के अंदर बंद हैं, तो शायद काम भी अभी कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। और लॉकडाउन खुलने के बाद पहले तो सेटअप सही किया जाएगा, जो भी नुकसान हुआ है उसे सुधारा जाएगा, उसी के बाद शूट शुरू हो पाएगा। ऐसे में ये खबर आपको कितना ज्यादा हिला दे रही है, बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने देखा किस तरीके से रणबीर और आलिया का घर भी जो है तहस नहस हो गया था। जनक ऑफिस जो है अमिताभ बच्चन का, उसमें पानी भर गया था, उसके बाहर जो स्टाफ का शेल्टर था वो भी तहस नहस हो गया था। राखी सावंत ने बताया किस तरीके से उन्होंने अपनी बालकनी का शेड लगवाया था, वो गिर कर टूट गया था और उनके घर में पानी भर गया था। दिव्या अग्रवाल के घर में पानी भर गया था। सो देर हैज बीन अ लॉट ऑफ न्यूजेंस दैट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन, लेकिन इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे जरूर लिखिएगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।